भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघी पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन माघी पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। जिस प्रकार कार्तिक का महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है, उसी प्रकार माघ का जो महीना होता है वो साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। माघ महीने के प्रत्येक दिन जल्दी उठकर के सूर्योदय के पहले स्नान करना, दान करना, तुलसी जी का पूजन करना महान पुण्यकारी माना गया है। इसी प्रकार माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसके ठीक 5 दिन पहले यानी एकादशी से पूर्णिमा तक निरंतर 5 दिनों तक स्नान करने का भी बड़ा पुण्य माना गया है। और माघ महीने की जो पूर्णिमा है इस बार 26 फरवरी 2021 को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 27 फरवरी तक रहेगी। यानी 26 फरवरी को माघी पूर्णिमा का प्रारंभ दोपहर 3:50 पर माघी पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा दोपहर 1:50 तक रहेगी। वैसे तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं, माघी पूर्णिमा का व्रत आपको 26 फरवरी को करना चाहिए। वहीं 27 फरवरी को स्नान दान व माघ स्नान की पूर्णिमा रहेगी और इस पूर्णिमा की कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और जीवन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। और इस पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, दीप दान भी इस दिन करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी दान पुण्य इस माघी पूर्णिमा पर करेंगे या भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको माघी पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। एक समय की बात है, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे गोपाल, हे कृष्ण कन्हैया, आप मुझे माघी पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक कातिका नाम की नगरी है और उसमें चंद्रहास नाम का एक राजा है और वहां उस राजा के राज्य में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था, गुणवान था, ज्ञानवान था, धनवान भी था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी, इस कारण बड़े दुखित रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया
वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर के अन्य सभी घरों से भिक्षा प्राप्त किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया और अपने घर की भिक्षा का अनादर पाकर के और वह उस महात्मा के पास जाकर के प्रणाम करके बोला कि महात्मा जी, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि मैं निसंतान घर और पतितों के अन्य को जो है तुल्य माना जाता है, यानी जो व्यक्ति निसंतान होता है उसका अन्न जो है पतितों का अन्न माना जाता है, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूं, क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर यह बात सुनकर के मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अर्थ भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए, धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूं, आप मेरे इस दुख को दूर करिए, आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम माँ दुर्गा चंडी की आराधना करो, माता काली की आराधना करो। और घर आकर के उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने माँ चंडी की आराधना की, उनकी उपासना की। माँ चंडी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के 16वें दिन स्वप्न में आकर के दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हें दीर्घायु पुत्र हो जाएगा और जितने तुम्हारे सामर्थ्य हो आटे के दीपक बना करके शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी हो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर के एक फल तोड़ करके शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ प्राप्त हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसको समीप में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष पर चढ़ करके उस ब्राह्मण ने आम का वृक्ष जो है चढ़ करके उस फल को तोड़ना चाहा, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी वह उस वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। बहुत चिंतित हुआ और उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे विघ्न विनायक गणेश जी महाराज, आप दया निधे हैं, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके मंगल कार्य को करने वाले हैं, आप दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करिए, इतना बल दे दिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। तब धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला है वह यह फल ही है, कोई और फल वहां दिखाई नहीं देता था। उसने जल्दी से तोड़ करके फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया और उसकी पत्नी उस फल को खा करके गर्भवती हो गई और भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बा दुर्गा की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रख दिया और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ने लगा और वह जब बालक बड़ा होने लगा, उसकी अवस्था बड़ी हो गई, तब उस बालक को जो है सुंदर विद्याएं प्राप्त करवाई गई, सुंदर रूप उसका हुआ और माँ दुर्गा की कृपा से उसे जो है सुंदर आभूषण आदि धारण करवाए गए और उसके सारे संस्कार करवाए गए। परंतु निरंतर उसके पिता धनेश्वर को यही चिंता लगी रहती थी कि बालक अल्पायु है, इसको जो है किस प्रकार से लंबी आयु प्राप्त हो, निरंतर चिंताशील रहने लगा और माँ दुर्गा की आज्ञा के अनुसार दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया और इन पूर्णमासी का व्रत करने के बाद वह भगवान शंकर जी की आराधना करता रहा। जब उस बालक की जो है आयु पूरी होने लगी, यानी उसका जो अल्पायु का जो दोष है वह लगने लगा,
तब उसने भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ की आराधना की और पूर्णिमासी का व्रत किया। इससे भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के उस बालक को दीर्घायु का वरदान दिया और उस बालक को, उस बच्चे को दीर्घायु प्राप्त हो गई और इस संसार में उसने बहुत सारा सुख भोगा और अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों वर्षों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप माघी पूर्णिमा के निमित्त दक्षिणा दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान या कोई भी दान यदि आप माघी पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुँचा करके माघी पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।